गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सवीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि सवीन कुछ कहें, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सवाल था मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट सा। मैंने कहा मैं आपसे वो सवाल करूं, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपसे वो सवाल। इजाजत है। आज आप इतने तैयार होके क्यों आए हुए? मैं रोजाना तैयार हूं। नॉर्मल, आप नॉर्मल तरीके से आप तैयार हुए होते हैं, आज आप बहुत ज्यादा तैयार हैं। इसमें ज्यादा तैयारी कहां से है? स्पेशली आपका ये जो कुर्ता चमकता दमकता कढ़ाइयों वाला, 10 साल पुराना कुर्ता है। 10 साल पुराना कुर्ता, 10 साल पुराना कुर्ता आपको आज भी पूरा है? हाँ, मतलब जाहिर है। ये आपकी शादी का है? ये मेरे शादी के उन दिनों का है, मेरे एक इवेंट था मायों का, उसका। अच्छा, चले वही ना। चल रहा है अभी तक, मैं भी चल रहा हूँ और कुर्ता भी चल रहा है। अब वक्त हुआ है सबीन से बदला लेने का, और बदला लेने के लिए मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा। कल सबीन नहीं आई थी, और जब वो नहीं आई तो चाहत फतेह अली खान ने एक गाना गाया, आपको सुनवाते हैं। ये जो गाना इस वक्त मैंने सुन लिया है, अगर ये मैंने कल सुना होता तो मैं आज भी ना आती, जिस जो कॉन्टेक्स्ट आपने बिल्ड किया। ठीक है जी, ये इतने इतनी जबरदस्त किस्म के गाने, ये जो कवाली इतनी खूबसूरत किस्म की नुसरत फतेह अली खान साहब की, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। सिर्फ आप नहीं परेशान हुई? हाँ। से रहीम शाह ने भी हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ लेके बस कर दो, बस कर दो। अच्छा, उन्होंने खुद जो सुर पकड़ा ना, फिर रहीम शाह ने। खूबसूरत आवाज है रहीम शाह की, इतने अरसे से गायब है, पता नहीं क्यों नहीं आते अब, क्यों नए गाने नहीं गा रहे होते। हाँ। क्यों वैसे सोशल मीडिया से भी गायब होते हैं? मतलब रहीम शाह की आवाज को ना बहुत सारे लोग, पूरी कौम बहुत ज्यादा मिस करती है। बिल्कुल ऐसे, जैसे एक इनका बहुत मशहूर गाना, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। एग्जैक्टली, जब भी आपको सुने तो गूज बम्स आ जाते हैं। आवाज इतनी खूबसूरत, कैसे दिल से गाते, और अभी भी जहाँ साथ जो सुर लगाए ना उसके बाद, तो कर क्या रहे थे वैसे साथ? वो एंटरटेन कर रहे थे ना। मतलब चाहत फतेह अली खान इज एन एंटरटेनर, वो एंटरटेन कर रहे थे इन हिज ओन वे, इंडिजिनस वे। बिल्कुल, मतलब ठीक है, ही इज एन एंटरटेनर। और आपके लिए, क्योंकि आप चूंकि कल नहीं आई थी, आगे बढ़ते हैं जी, और एक और खबर शेयर करते हैं, और वो है जापान से। जापान में हुआ ये कि एक जहाज लैंडिंग करते करते उसने कहा वापस टेक ऑफ करना पड़ेगा, चूंकि हालात इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि हिचकोले खाना शुरू हो गया था। ऐसा हुआ कि ये देखें, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लैंडिंग की कोशिश की इसने। ये देखिए, जैसे ही जहाज थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गया, जहाज लड़खड़ाना शुरू हो गया, और उसके बाद पायलट ने बहुत ही महारत के साथ वापस जो है वो परवाज भरी, क्योंकि टेक ऑफ उसने दोबारा कर लिया, काइंड ऑफ अ टेक ऑफ, क्योंकि था तो भी फजा में ही। एग्जैक्टली, लेकिन चूंकि डेंजरस था तो उसने दोबारा, डेंजरस और एकदम फजा में जाने का फैसला किया। आपको पता है टर्बुलेंस वैसे कितना शुरू डर जाते हैं लोग, तो ये तो इतनी देखने में इतनी हैवी किस्म की टर्बुलेंस लग रही है, वो कितने खौफजदा हो गए। एग्जैक्टली, और ऐसे में पायलट की महारत को मैं कहूंगी कि अपने पेशेंस रखना एंड यू नो संभालना प्लेन को बड़ी, क्योंकि एक हवाओं की भी बात है ना, हवा बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल ऐसी उसकी वजह से प्लेन जो है वो हिचकोले खा रहा था। अच्छा, जब हम हवा की बात कर रहे हैं सबीन, तो हवाएं कहीं बहुत तेज चल रही है, कहीं पर बारिश बहुत तेज हो रही है। इससे पहले कि मैं कराची की बात करूं, आज मौसम कैसा रहेगा इसकी बात कर लेते हैं, यानी पाकिस्तान के बेशतर शहरों का मौसम आज कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की। सुबह से ही बारिश हो रही है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, और कम से कम 22 और ज्यादा से ज्यादा आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर की बात करें तो कम से कम 26 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, यहां पर भी बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से। कराची की बात करते हैं, कम से कम 25, ज्यादा से ज्यादा 29, इसकी हम डिटेल से आगे चलकर बात करेंगे कराची के मौसम पर। पेशावर की बात करें, कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, बारिश यहां पर भी हो रही है। क्वेटा, यहां पर भी बादल हैं, बारिश हो रही है, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो पूरे मुल्क में तकरीबन बारिश हो रही है, मौसम ऐसा है। लेकिन जो सवीन बात हम कराची की कर रहे थे जी, वहां पर अगर शुएब अगर बात की जाए कराची की, तो वहां पर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जो है वो दी गई है, और जिस तरह हम एक दो रोज से देख भी रहे हैं कि स्कूल्स जो हैं वो भी बंद रखे गए हैं, और अभी 31 अगस्त तक ये भी कहा जा रहा है हुकाम की तरफ से लोगों को समंदर में नहाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का दूसरा अलर्ट जारी किया गया है। एग्जैक्टली,
और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध सरदार सरफराज साहब। सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं रन ऑफ कच्छ के आसपास जो साइक्लोन बन रहा है और जब वो टकराएगा और उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी उसके लिए ज़रा हम प्रिपेयर्ड हैं और होना भी चाहिए, थोड़ा सा बताएगा कितना मुश्किल हो सकता है वेदर पाकिस्तान के लिए, बिलखसूस हमारे साहली पट्टी के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, टकराएगा हमारी साहली पट्टी से, किसी जगह से नहीं टकराएगा, पहली बात तो ये है। और अभी साइक्लोन नहीं बना है, अभी डीप डिप्रेशन है। अगले 6 घंटे मतलब आफ्टरनून में या हो सकता है इवनिंग तक जाके ये साइक्लोन बन जाए, क्योंकि अभी तक इसका गालिब हिस्सा उस तरह है खुश्की भरी इंडिया का जो इलाका है काचच, रन ऑफ कच्छ का पूरा उसमें कहें उस एरिया में। कराची से अभी इसका 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कराची के जनूब मशरक में मौजूद है। जैसे अरेबियन सी में एंटर होगा तो फिर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, सी सरफेस टेम्परेचर होता है, दूसरी विंड पैटर्न इस तरह से होता है, वो सपोर्टिव फैक्टर्स होने के बायस ये साइक्लोन बन सकता है। अच्छा। और यूजुअली अगस्त के महीने में साइक्लोन नहीं बना करते, जुलाई और अगस्त में, क्योंकि मॉनसून पीक पे होता है, तो प्री मॉनसून सीजन होता है बेसिकली जो क्लाइमेटिकली फेवरेबल सीजन साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए, और फिर पोस्ट मानसून यानी इधर मई जून और दूसरी तरफ अक्टूबर नवंबर, दो महीने ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं कि अगस्त में या जुलाई में कभी बन जाए। अच्छा। तो खैर, और ये फिर होता है कि शॉर्ट में देखिए कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है किसी भी हमारे साहली एरिया को, ना सिंध के भी और बलूचिस्तान के भी, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है वेस्टवर्ड है, वेस्ट और साउथ वेस्टवर्ड, तो ओमान के साहिल की तरफ निकलेगा, हमारे कोस्टल लाइन के बिल्कुल पैरेलल आगे निकलेगा। लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में जाहिर है कि बारिशें और आंधी है, ये दो फैक्टर होते हैं, और तीसरी फैक्टर तो साइक्लोन जिस जगह से, तीसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जिस जगह से टकराता है तो उस जगह पर फिर हाई टाइड उठती है, तो चूंकि टकराने का हमारे साहिल से किसी को कोई खदशा नहीं है, तो दो इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कि तेज़ बारिशें हो सकती हैं, और जो कि चल रही हैं पिछले 2-3 दिन से आपने देखा इसी डिप्रेशन डीप डिप्रेशन के बाइस ही हो रही हैं, पूरे सदरन सिंध में अच्छी तेज़ बारिशें चल रही हैं। बिल्कुल, और इसी तरह से कराची की अगर बात की जाए सरदार साहब, तो वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग भी दे दी गई है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें, कितनी बारिशें मुतवक्को है अभी, कितने दिन और कितने मिलीमीटर मजीद? देखिए, इसमें पूरे स्पेल के लिए एक जरा से था ना कि जो 27 से शुरू होना था और फिर 30 या 31 तक आगे वो चलना था, तो वो वही चल रहा है वक्फे से। अब गुज़श्ता दिन कराची में बेशतर जगहों पर अच्छी तेज़ बारिश हुई है, एक जगह पर तो 124 मिलीमीटर हो गई, और इसी तरह से दूसरी जगहों पर कहीं 46 के, ये रिकॉर्ड टूटा है कराची में इस वक्त बारिश का? नहीं नहीं, रिकॉर्ड नहीं टूटा है, रिकॉर्ड 230 मिलीमीटर का है कराची में। अच्छा। 2020 में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई, तो आगे 2 दिन भी, यानी आज का दिन भी और कल का दिन भी कराची में भी, और जो दूसरे आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहिल जिनका लगता है समंदर के साथ, वो ठट्ठा है, सुजावल है, बदीन है, इन तीनों अजला में, कराची में और फिर साथ में उमरकोट में, मीरपुर खास में, और ऊपर यानी हैदराबाद से ऊपर मटियारी डिस्ट्रिक्ट तक, इन तमाम अजला में तेज़ बारिश मुतवक्के है आज भी और कल भी, और साथ में आंधी, तो जाहिर है कि जनूबी जो अजला है कराची, ठट्ठा, सुजावल, बदीन वगैरह, इन अजला में आंधी भी साथ चल सकती है, और उसके साथ साथ समंदर में रफनेस जाहिर है कि काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए फिशरमैन को इंस्ट्रक्शन दी गई है PMD की तरफ से कि अगले 2 से 3 दिन आप खुले समंदर में ना जाएँ, सिंध के फिशरमैन भी और बलूचिस्तान के फिशरमैन भी। ठीक है, सरदार सरफराज साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, अलर्ट से मुतालिक भी बात कर रहे थे, लेकिन कि कोई ख़तरा बहरहाल नहीं है, जो इस वक्त हम रन ऑफ कच्छ के इलाके की बात भी कर रहे थे कि उसकी वजह से एक इम्पैक्ट आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि इतना खतरा नहीं है, नॉर्मली साइक्लोन बनता भी नहीं अगस्त में, तो लेट्स सी कि सिचुएशन किस तरफ को आगे जाती है और अनफोल्ड होती है। लेकिन चूँकि हम बारिश की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, और सिंध की चूँकि बात हो रही थी, तो हैदराबाद में अगर हम देखें तो हालिया मानसून इस पहले बहुत तबाही मचाई है, और आज भी कहा जा रहा है कि बारिश होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल हैं उनमें छुट्टी दे दी गई है, और हेस्को का निज़ाम वो भी खासा मुतासर नज़र आ रहा है। इस वक्त क्या हालात हैं हैदराबाद के, हमें बताएँगे हमारे नुमाइंदे अली रज़ा। जी अली, देखिए बिल्कुल, हालिया मानसून के इस पहल ने मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को भी खासा मुतासिर किया है। शहर की अगर मजमू तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो वो हैरान कन सूरत हाल है। शहर की मरकजी शाहराहों की बात की जाए, गली मोहल्ले, कॉलोनियाँ या नशेबी इलाकों की बात की जाए, वो ज़ेर आब है। बात सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सरकारी दफातर हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी बारिश का पानी हमने देखा। हैसो का निज़ाम की बात की है तो हैसो का निज़ाम भी खासा मुतासिर शहर में नज़र आया।
बारिश की पहली बूंद के साथ ही हैस्को रीजन में तकरीबन 160 या 170 के करीब फीडर जो है वो ट्रिप कर जाते हैं। शहर हैदराबाद की बात किया तो शहर हैदराबाद में 50% से ज्यादा जो इलाके हैं वो अंधेरे में डूब जाते हैं और हमेशा की तरह देखने में ये आता है कि हैस्को का निज़ाम जो है वो खासा मुतासिर होता है, नकारा बंदा जा रहा है। फिर उसके बाद तर्जुमान की जानिब से मौकिफ सामने आता है कि बारिश का सिलसिला जारी हो, ये बारिश का सिलसिला रुकने के बाद भी तकरीबन 8 से 10 घंटे बाद जो है वो शहर में बिजली बहाल की जाती है। हालिया मानसून के इस पहल ने खासा तबाही मचाई है शहर हैदराबाद के अंदर और तेज बारिश और मुमकिन बारिशों के पेश नजर हम देख रहे हैं कि दूसरा रोज भी हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, गैर सरकारी स्कूल है, उसमें छुट्टी थी। और आज के अगर सूरत हाल की बात करें तो आज हैदराबाद में मुमकिन तेज बारिशों के पेश नजर जो है वो आज भी सरकारी स्कूलों गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी है। गुज़िश्ता रात भी हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके मुताबिक आज हम देखें हैदराबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नजर आ रहे हैं। शहर के चारों तालुकों की सूरत हाल की बात करें तो तालका संबाद और तालका लतीफाबाद जो है वो खासा मुतासर हुए, तालका सिटी की सूरत हाल ही बेहतर नजर नहीं आ रही है। कुछ इलाके हमने रात में ऐसे देखे कि जो मेनकती शारा है उनके पानी जमा होने के बाद जो कारोबार था वो खासा मुतासर हुआ। ताला कासमाबाद की बात की जाए तो वहाँ की सूरत हाल खासा खराब है। मरकजी शहरों पर पानी खड़ा होने के बाद ना सिर्फ जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर होती है बल्कि वहाँ पर जो इलाका। शुक्रिया शुक्रिया अली, आपने हमें अपडेट किया हैदराबाद की सूरत हाल से। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और बात करते हैं इस्लामाबाद की। आज सुबह जब आप ड्राइव करके आ रहे थे तो ऑब्वियसली क्या खूबसूरत एक मंजर था मागला की पहाड़ियों के बाद के जब वहाँ पर काले बादलों का नकाब, क्या खूबसूरत नज़ारा था वो, ठंडी हवाएं और इसके बायस जो है वो अच्छा मैं देख रही थी भी आते हुए ना, क्योंकि हम कुछ जगहों पर एक पैच होता है जहां पर बारिश हो रही है, दूसरा पैच होता है जहां पर बारिश नहीं हो रही है, तो मतलब एक हाईवे से ही गुजरते हुए आपको जो एक मौसम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही होती है ना, और उसके साथ जो आप नज़ारा देख रहे होते हैं। अच्छा, एक पहाड़ के ऊपर मागला की थोड़ी सी धूप थी जो बहुत क्लियर नज़र आ रहा था और बाकी अगर इर्द गिर्द देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बादल थे, तो ये खूबसूरत नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा भी नहीं। अच्छा, पिछले 2-3 रोज से कुछ ऐसा ही नज़ारा मागला की पहाड़ियों का और यूं ही दिल चाहता है कि बस पहाड़ियों की तरफ ही चला जाए। Exactly. और वहां पे थोड़ा सा ड्राइव करके या ट्रेल्स पे जाएं तो वॉक करके इंसान वापस आ जाए। बहुत एहतियात के साथ Absolutely. ड्राइविंग ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरह से हिली एरिया है, स्लिपरी है और स्लिपरी भी है, तो एहतियात जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ सबीन हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मी का जोर तो टूटा से टूटा, कल शाम को तो ऐसे जैसे विंटर ठंड ना, एग्जैक्टली विंटर वाज हियर, ऐसे ऐसे लग रहा था। अच्छा, अभी आप किसी को बता भी नहीं पाते कि आपको ठंड लग रही है, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। मेरे सर्कल ऐसे हुआ अगस्त के एंड है, लेकिन जनरली अगर आप किसी से बात कर रहे ना तो लोग हंसना शुरू हो जाते हैं कि अगस्त के एंड में आपको ठंड जो है वो लग रही है, तो आप खामोश रह जाते हैं लेकिन आप ब्लैंकेट ले लेते हैं। हाँ, कल ऐसे ही था जी, वॉक करने में निकले तो ऐसे जैसे बिल्कुल सर्दियों की शाम है उसमें आप वॉक कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों में मौसम कुछ ऐसा ही, वक्फे वक्फे से भी बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं पेरिस में जारी पैरालंपिक्स की, जिसका मेला सज चुका है। 4000 से ज्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं, 23 मुख्तलिफ मुकाबले होने जिसमें खिलाड़ी एक्शन दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं हैदर अली, पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले वाहिद एथलीट हैं जो डिस्क थ्रो के मुकाबले में 6 सितंबर को एक्शन में नजर आएंगे। तो हैदर अली आज हमारे साथ मौजूद हैं, पेरिस उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हैदर, बहुत क्या, एक तो आपने ज़ाहिर है हमें ज्वाइन किया इस टाइम पे जब आप ज़ाहिर है तैयारी में भी होंगे, प्रैक्टिस भी हो रही होती है, प्रेशर भी एक इंसान के ऊपर काफी ज्यादा होता है इस पूरी सिचुएशन में, बिल्कुल, कि किस तरह से डील करना है। ऐसे में स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को काम डाउन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जरा हम हैदर से ये भी पूछेंगे कि अपने आप को काम डाउन किस तरह से रख रहे हैं, क्योंकि हम मतलब मुझे होता है अगर नेक्स्ट डे कुछ होता है मेरे लिए कि अच्छा हाँ कल मुझे परफॉर्म करना है कहीं पर, तो मुझे एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हैदर हमारे मौजूद उनसे बात करते हैं। हैदर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हैदर, क्या हालात है अभी जो हम जिक्र कर रहे थे कि एक प्रेशर होता है काफी ज्यादा, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेशर को किस तरह डील करें, क्या कैफियत है और कितने पुरजोश हैं आप और आपने इसलिए कितनी तैयारी की भी ऐड कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी पेरिस पैरालंपिक्स के लिए यहां पर पेरिस में मौजूद हूं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी 5वीं पैरालंपिक्स में जो मैंने करके खेल रहा हूं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग है और आप सब की दुआओं से और अल्लाह के करम से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि अपने प्यारे मुल्क का झंडा पूरी दुनिया में लहराऊं इंशाल्लाह। और हैदर, कितने पर उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक बार फिर गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए, जो कि बहुत सी उम्मीदें बन गई हैं अब। अजी, एक तो बहुत सख्त कंपटीशन है जिसमें मेरे जो कंपटीटर हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उज्बेकिस्तान है, जापान है, उसके बाद मैक्सिको है, साथ कैनेडा है, यूक्रेन है, जिनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं,
और ये मतलब बहुत टफ कंपटीशन होगा। तकरीबन मैंने जो वर्ल्ड रैंकिंग में देखा है कि सभी सेम, यानी कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, जो यानी आई थिंक जैसे मैंने टोक्यो में 55.26 मीटर किया था, उनकी भी सेम यही एवरेज है। तो इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत करेगा, तो बाकी देखते हैं इंशाल्लाह फाइनल में। अच्छा, ऐसे में हैदर सख्त तरीन हरीफ की अगर बात की जाए तो वो आपकी नज़र में कौन है? बहुत सारे जिक्र आप, सख्त तरीन हरीफ कौन है और हराने के लिए क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई है? जी जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक मेडल जीते हैं उसमें मैंने पैरालंपिक्स में मेरे 3 मेडल हैं, गोल्ड है, ब्राउन है, सिल्वर है, और साथ एशियन गेम के भी मेरे तकरीबन कोई 7-8 मेडल हैं जिसमें 3-4 गोल्ड हैं, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, जिसमें खास तौर अभी जो हंगजू में पहला एशियन गेम हुई उसमें गोल्ड है, 2010 में जो एशियन गेम हुई थी उसमें गोल्ड है, 2018 में जो हुई थी उसमें डबल गोल्ड है। तो अलहमद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी सिल्वर मेडल हूँ, साथ मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया 2008 में जो बीजिंग पैरालंपिक्स हुई थी, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह और भी ओशियाना चैंपियनशिप में मेडल है, 7 ग्रैंड प्रिक्स में। अच्छा, ये तो आपने टाइटल्स जीते वो भी अपने साथ साथ बताए, और मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं कितनी मुनासिब सहूलियात मिली आपको ट्रेनिंग के लिए? जी ट्रेनिंग के हवाले से तो मतलब मैं इतना ये कह सकता हूँ कि जो जितनी आउट सीजन जो मेरी ट्रेनिंग है वो मैंने अपने घर पर किया गुजरांवाला में, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे कैंप नहीं मिले थे, तो आउट सीजन तो ऊपर से गुजरांवाला हमारा देहाती गाँव है, वहाँ पर कोई मतलब 1% भी सहूलत मौजूद नहीं है। मैंने अपने तहत ही एक सोसाइटी में अपनी पिच बना के उसमें यानी ट्रेनिंग करता रहा हूँ, और जब भी बारिश होती थी तो मतलब जो जितने प्लाट्स हैं वगैरह सारे पानी में डूब जाते थे, और साथ डिस्क थ्रो भी डूब जाते थे ट्रेनिंग के दौरान। लेकिन खैर वो तो एडजस्ट हो जाता है जब बंदे का एम मजबूत हो, मकसद एक हो, और ख़ासतौर जब अपने मुल्क की बात हो तो फिर छोटी छोटी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो इंशाल्लाह जितना मेरा कैरियर है उसका जो कामयाबी की वजह यही है कि मैंने कभी ये छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा और हिम्मत से मेहनत करता रहा हूँ, चाहे ग्राउंड है नहीं है। लेकिन फाइनली जब फिर अभी कैंप लगा, PSB में लगा था थोड़े दिन कैंप, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सारी सहूलतें मुहैया की थी, तो उसके अलावा पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी पूरा तावन करता है, पाकिस्तान वाबडा का मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है ट्रेनिंग तो इतनी अच्छी, मतलब सहूलियात तो नहीं थी लेकिन ट्रेनिंग अच्छी हुई है। बाकी इंशाल्लाह आप सबसे गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि मैं अपने मुल्क का झंडा तराना। आपकी सोच से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटी छोटी मुश्किलात जो हैं, या चले बड़ी मुश्किलात, वो आपका जो गोल आपने सेट किया वो उसके आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और आप कहते हैं हमारे मुल्क की जब बात है तो फिर मुल्क का नाम रोशन करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। हैदर बहुत आगे जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, और पाकिस्तान का नाम अभी जो पिछले दिनों की बात है जो कि हम मुझे नहीं लगता हम सेलिब्रेट, और इसी तरह से इनामात के सिलसिले की अगर बात की जाए, अरशद नदीम की हम बात करें तो अभी तक उनको इनामात से नवाजा जा रहा है, जिस तरह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान का जो इनाम है उसका ऐलान कर दिया था। 10 करोड़ सुन के वाकई 10 करोड़ रुपए, और इसी तरह से हमने देखा था कि बहुत सारे हुक्मरानों ने हमारे यही बात की है कि वो जो है वो उनको इनामात से नवाजा गया। अच्छा, चूंकि ज़ाहिर है देखिए पैरिस ओलंपिक्स पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया उन्होंने, जेवलिन थ्रो और हिलाले इम्तियाज से उनको नवाजा गया, हिलाले इम्तियाज कल उनको दिया गया है। कौमी हीरो अरशद नदीम हिलाले इम्तियाज देने की तकरीब कल इनकी हुई थी वाने सदर में, और सदर ने कहा कि अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और मुल्क के ला तादाद नौजवान खिलाड़ियों को मुतासर किया है। सदर ने अरशद की कामयाबी में रहनुमाई पर कोच सलमान इकबाल भट्ट इनके खदमात को भी खूब सराहा, और अरशद नदीम ने हिलाले इम्तियाज अवार्ड देने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया, वेरी वेल डिजर्व्ड। तो मुबारकबाद वंस अगेन जी अरशद नदीम को। आगे बढ़ते हैं, बहुत सी खबरें और सेगमेंट्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एक बहुत बुरी खबर जो कि हम सब ने सुनी इंटरनेट के हवाले से, और वो खबर ये है कि अक्टूबर तक इंटरनेट जो है वो सुस्त रवि का शिकार रहेगा। PTA के मुताबिक मरीन केबल की मरम्मत में वक्त दरकार है और अक्टूबर से पहले इंटरनेट सर्विस बेहतर होना मुमकिन नहीं है। गुज़िश्ते चंद हफ्तों की अगर बात करें, सबको इस बात का पता है कि किस तरह से इंटरनेट की रफ्तार में काफ़ी कमी देखी गई है, और ख़ास तौर पर जो मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए व्हाट्सएप के जरिए भी जो ऑडियो मैसेजेज़ हैं या वीडियोज़ डाउनलोड करना या पिक्चर्स
डाउनलोड करना, भेजना, वो बहुत ज्यादा उनको इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ब्रॉडबैंड पर ब्राउजिंग जो है वो कुछ बेहतर थी, कुछ बेहतर, काफी हद तक बेहतर वहां पर दिखाई दे रही थी। वो भी बीच में कुछ एप्स जो है, जैसा व्हाट्सएप की मैं बात कर रही हूँ, कुछ देर के लिए अगर देखा जाए तो एक्स, तो चले एक्स है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो उसमें मुश्किलात हमें दिखाई दे रही। अच्छा, वजूहात पर अगर हम जाएं तो हर रोज हमें एक नई वजह बताई जाती है। कभी है जी वीपीएन का एक्सेस यूज, कभी है कि सबमरीन केबल की खराबी, और कभी है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम, और कभी कोई और वजह। और मुस्तरद क्या कर दिया गया है, जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा था, इस खदशे को मुस्तरद कर दिया गया जी कि फायरवॉल लगाई जा रही है। उन्होंने कहा फायरवॉल ये तो आप लोगों ने खुद ही क्राफ्ट किया है, देयर इज नो फायरवॉल, इट्स वेब मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने आज ये सवाल करना है, ये फायरवॉल की बात आखिर स्टार्ट कहां से हुई, ये कैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया फायरवॉल, अगर हुकूमत कह रही है कि फायरवॉल नहीं है। इस पर आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट असदुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया। फायरवॉल ये टर्म क्यों इस्तेमाल हो गई पाकिस्तान में जब हुकूमत कह रही है कि देयर इज नो फायरवॉल? देखें, फायरवॉल और ये जो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफी हद तक मिलती जुलती चीज है। बहने जी, बहने हैं, हाँ बहने कह सकते हैं, जुड़वा बहने हैं, बहन भाई कह सकते हैं। अब वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम छोटी बहन कह सकते हैं और फायरवॉल को हम बड़े भाई सब कह सकते हैं। ठीक है, अब फायरवॉल में क्या होता है वो एक ब्रॉडर टर्म है, मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। उसमें हम क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, फिल्टराइज करते हैं, और सारी जो चीज़ें हैं उसको हम ब्लॉकिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। राइट। जब हम वेब मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जो वेब हैं, वेब में मैं सिर्फ वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको भी हम वेब एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो उन वेब एप्लीकेशंस की हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको फिल्टराइज कर सकते हैं, उनको ब्लॉकिंग कर सकते हैं, ये सब कुछ हम दोनों बातें एक ही नहीं हो गई? नहीं, नेटवर्क और चीज़ है, और वेबसाइट की जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की तो वो एक छोटी टर्म हो जाती है। अच्छा, एक नेटवर्क वो एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है, उसमें आपके सारे नेटवर्क्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फिर जो इस वक्त हो रहा है, क्या हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये फायरवॉल की टेस्टिंग है या कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है? ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट जब ये कह रही है कि वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। आप क्या कह रहे हैं, ऑफिशियली तो हम सबको पता है, आपको बुलाया था। बिल्कुल, वेब मैनेजमेंट सिस्टम ही है, उसकी वजह ये है कि, लेकिन उसमें एक जो टर्म यूज की जा रही है डीपीआई की, यानी डीप पैकेट इंस्पेक्शन की। डीप पैकेट इंस्पेक्शन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। वो किस तरह से, कि मैं इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगा कि एक अच्छी खासी रोड चल रही है और उस पर आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाका लगा देते हैं, उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपकी वो जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होगी। अब वेब मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है कि डेफिनेटली अच्छी खासी जो ट्रैफिक एक जा रही है, आपने एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम लगा दिया, एक डीपीआई लगा दिया, और आप हर पैकेट को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी जिस तरह नाके पे होता है कि हर गुजरने वाली गाड़ी को आप रोक के आप चेक कर रहे हैं, डिले हो जाता है, इसी तरह चेकिंग हो रही है और उसके बाद डाटा ट्रांसफर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे जब हमने डीपीआई लगा दिया तो जो भी ट्रैफिक जा रही है, जो डाटा जा रहा है, उसको आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली वो डिले होगा। सो देयर इज नो प्राइवेसी? नहीं, प्राइवेसी हम क्या, प्राइवेसी की क्या हम बात करते हैं, हम जब सिग्नल की बात करते हैं या व्हाट्सएप की या किसी भी और एप्लीकेशन की, उन्हें भी तो हम डेटा दे रहे हैं ना। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट हमारा डेटा रख सकती है। गवर्नमेंट के पास हम ये कहें कि नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें चेक कर और रखने का तरीकेकार एक यही है कि नाका लगाना है। नाका लगाना और कोई तरीकेकार नहीं है? नहीं, देखें, जब हम कर ये क्यों रहे हैं, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, आप हेट स्पीचेस देखें जो हो रही हैं, उसके अलावा जो पोर्नोग्राफी है उसको काफ़ी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है बट नहीं हो पा रही, तो वो अगर आपने ब्लॉक करनी है, उसके अलावा कई ऐसे। अच्छा ठीक है, हम वजूहात पे नहीं रहते, थोड़ा सा टेक्निकल उस पर अगर देखें, इस वक्त की अगर बात की जाए, जो मरीन केबल की खराबी की बात की जा रही है, फिर अक्टूबर तक कहा जा रहा है कि बहाल हो सकती है इंटरनेट सर्विस, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इतना वक्त, चूंकि रीजन तो चले हुकूमत ने बता दिया, आप उससे एग्री करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अक्टूबर तक का जो वक्त मांगा गया है, ये काफ़ी डिस्टेंस है, ऑब्वियसली इससे नुकसान हमारा बहुत सारा होगा, क्या इतना ही वक्त दरकार होता है? देखें, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। रिसेंटली हम बात करें सिंगापुर का हुआ या जापान का हुआ या दूसरे कंट्रीज जिनका हुआ, उन्होंने विद इन फ्यू आवर्स उसका जो बैकअप था वो उन्होंने कर लिया। अच्छा। हाउएवर जो मेंटेनेंस है उस पर लगे, किसी को 1 वीक लगा, किसी को 4 वीक्स लगे, लेकिन ये है कि जो बैकअप है वो फौरन हो जाता है। हमारी ही केबल ख़राब होती है? नहीं, दूसरों को भी होती है। मैंने केबल आ रही है जिसकी वजह से इंटरनेट का मुतासर होना हम जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुतासर हो रही है? कहीं और भी हम देखें, इसको हम रिलेट करते हैं सादा अल्फाज में, नेट
इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, नेट की हम एग्जांपल दें तो नेट में क्या है कि रस्सी के साथ मुख्तलिफ नोड्स हैं, ठीक है। एक नोड अगर उसमें ख़राब होती है या एक रस्सी ख़राब होती है तो डेफिनेटली साथ दूसरी नोड उसको सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर एक केबल अगर ख़राब हुई है तो डेफिनेटली वो नोड से होके जा रही है तो दूसरी नोड्स उसे सपोर्ट कर रही हैं। अब अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि केबल ख़राब हो गई है तो क्या जो बाकी केबल्स हैं क्या उन पे आप ये शिफ्ट नहीं कर सकते? इसकी मैं एक छोटी सी आपको एक और एग्जांपल दूं जो हमने अभी बात की रोड वाली, कि अगर हमारी जो केबल्स हैं 7 केबल्स हैं, हम इसको रिलेट करते हैं रोड्स के साथ कि 7 रोड्स हैं, एक रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, एक रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है तो आप डाइवर्ट कर सकते हैं। बाकी जो रोड्स हैं लाजमी तो नहीं कि सेम टाइम पे पूरी की पूरी रोड वो यूज़ हो रही हो, तो आप यहाँ की ट्रैफिक अगर वहाँ शिफ्ट करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अगर एक केबल अगर ख़राब हुई है तो बाकियों की बैंडविड्थ एक टाइम पे पूरी तो यूज़ नहीं हो रही ना, ठीक है। इसको अगर आप वहाँ शिफ्ट करना आसान है और साथ साथ ठीक भी करना है ना उस केबल को, बिल्कुल शिफ्ट करना तो आप विद इन फ्यू आवर्स कह सकते हैं कि आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं उस पे, ठीक है। अलबत्ता मेंटेनेंस जो है उस पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा टाइम, मतलब ये जो 2 मंथ्स का टाइम दिया गया है वो डिपेंड करता है कि कितना टेक्निकल फॉल्ट आया है। कुछ कंट्रीज ने विद इन वीक कर दिया उसको ठीक, कुछ कंट्रीज ने 4 वीक्स का टाइम दिया। इधर इस वक्त जो है मामला ज्यादा खराब है जी, लेकिन इसमें एक चीज और काबिले गौर है, उसमें ये है कि वो जो सबमरीन केबल जिसकी मिल्कियत है, ठीक है, अगर कोई इस तरह की खराबी आई थी तो वो इस चीज़ का बाउंड है कि वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करे कि हमारी ये केबल जो है ख़राब हुई है। ये बात बहुत ज़्यादा काबिले गौर है, right। वो किस तरह, जब मैं खुद ये सिस्टम देख के आया हूँ कराची में जो है कि किस तरह से फाइबर के ये सारा सिस्टम है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चल जाता है कि आपकी केबल वहाँ से ख़राब है। अगर केबल ख़राब थी तो इतने अरसे तक क्या उस जो जिसकी मिल्कियत है वो केबल उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया? अगर उसने नहीं किया तो इसमें कसूर किसका है? अथॉरिटीज़ का नहीं, इसमें कसूर है वो जिनकी इन्फॉर्म करना था। हाँ, इन्फॉर्म करना था। अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया है और अथॉरिटीज़ ने आगे पब्लिक को नहीं बताया, क्योंकि ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर हमारे टैक्सेस से है तो हमें एटलीस्ट बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था। लोग अगर चीख रहे हैं तो बताना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे ये टेक्निकल मसला है। अच्छा, एक और टेक्निकल मसला जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा वो ये है कि अब इंटरनेट अगर खराब है तो कुछ ऐप्स के लिए सिर्फ खराब है, मतलब मेरा इंस्टाग्राम ठीक चले, मेरे फेसबुक ठीक चले, 2 ऐप्स हैं, व्हाट्सएप मेरा ठीक नहीं चल रहा जी, और एक्स जिस तरह डाउन है लेकिन ऑब्वियसली वीपीएन के थ्रू लोग इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है, वो नहीं चल रहा, तो मतलब क्या ये स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो कि मुतासर होती हैं या फिर इंटरनेट ख़राब है तो फिर ख़राब है ना? मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा कि जी अगर इंटरनेट मुतासर हुआ, व्हाट्सएप बंद है, नेटफ्लिक्स बड़ा टिप टॉप चल रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब आप अब खुद समझ जाएं कि देखिए अगर इंटरनेट मुतासिर हुआ होता तो फिर नेटफ्लिक्स कैसे चल रहा है। शादी से सारा सा जवाब मिल चुका है इस बात का कि फिर इंटरनेट उस तरह से मुतासिर शायद नहीं है। नहीं, अब आ जाते हैं उस वीपीएन वाले मामले पे। एक्सेसिव यूज ऑफ वीपीएन क्या वो भी इंटरनेट को मुतासिर कर रहा है? कर सकता है? बिल्कुल नहीं। VPN बजाते खुद हम ना VPN की टर्म को हमने बड़ा गलत लिया हुआ है। जो पब्लिक है उसने ये समझा हुआ है कि VPN शायद उन एप्लीकेशंस को या उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए है जो कि हमारे यहाँ बैन है। लेकिन मैं बीइंग ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जब हम साइबर सिक्योरिटी में हम ये काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम रिकमेंड कर रहे होते हैं कि VPN यूज़ किया जाए, प्राइवेट नेटवर्क यूज़ किया जाए, और जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, बैंकिंग सेक्टर हैं या जितने भी ये साइबर सिक्योरिटी करने वाले इदारे हैं वो VPN यूज़ करते हैं, ठीक है। अब VPN से कभी भी जो आपका वो इंटरनेट है वो मुतासिर नहीं हो सकता। अच्छा, आपका अपना इंटरनेट मुतासिर हो सकता है, स्लो हो सकता है, क्योंकि अक्सर जो VPN है वो इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी को हाइड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका अपना जो इंटरनेट है वो मुतासिर हो सकता है। आप जो ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, बट जो ओवरऑल इंटरनेट है वो कभी भी मुतासिर नहीं। नए लॉजिक का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। करते ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी शख्सियत का बड़ा अहम पहलू है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी हमारी शख्सियत के मुख्तलिफ अंदाज को पेश करती है। तो आज हमारा मौजू है बॉडी लैंग्वेज, ये कैसे आपको डिफाइन कर रही होती है, आपकी हैंड मूवमेंट्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ओवरऑल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, आपने कोई बात कहती होती है और उसके बाद
आपका मतलब वो नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पर ठीक नहीं होती और दूसरा शख्स उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर देता है। Absolutely. और वो कहते हैं कि इसने ये बात बोली, आप सोचते रह जाते कि आखिर अगले बंदे ने ये इंप्रेशन क्यों लिया आपकी बात का। तो उसकी एक अहम वजह ये होती है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज उस सिचुएशन के मुताबिक नहीं होती। एब्सोल्युटली, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारी गुफ्तगू का अंदाज, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है हमारी पर्सनालिटी को लेकर। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं मोहम्मद अली सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। हमारी बच्चिया बता रही है आपको, यहीं से शुरू कर लेते हैं मेरा ख्याल है। आपने मुसीबत को खुद दावत दे दी, क्योंकि मैंने भी आपकी आंखें पढ़ ली हैं। मुझे पता है कि चाहे हम कहें ना कहें आपने करना यही है। गौर से मैंने कहा ये ले फिर सर, इतने कॉन्शियस एंड कॉन्फिडेंट, एंड कॉन्फिडेंट जब से आप आए हैं बहुत कॉन्शियस। अच्छा, नहीं नहीं इसमें देखें, आपने बिल्कुल सही बात की जमीन के बॉडी लैंग्वेज अक्सर ये कहा जाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, बट इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में बड़ा कुछ पढ़ा सुना होगा। एक आम कम्युनिकेशन में कितनी टाइप्स होती हैं ये पता है आपको? दो ही होती है, वर्बल नॉन वर्बल। तो वर्बल कितने परसेंट होती है, नॉन वर्बल कितने परसेंट? आई थिंक 60-65% नॉन वर्बल होती है तकरीबन इतनी। आई थिंक 65 एग्जाम में भी ऐसे होता था कॉपी जो उसने लिखा। नो, आई थिंक 60-70% ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल होती है। डॉक्टर मेहराबियन की रिसर्च है, ठीक है, जो कि एक्सपर्ट है, व्हिच रिसर्च इज एक्चुअली मिसअंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन स्टिल 93% इज योर नॉन वर्बल। 93% जी, जिसमें से 55% इज योर बॉडी लैंग्वेज। राइट, मैथ्स मुझे आता नहीं, बाकी टोनैलिटी है 38%। ठीक हो गया। 7% आर वर्ड्स एंड ऑल यू आर फोकसिंग ऑन फ्रॉम डे वन इज वर्ड्स। ठीक है, हमें अनफॉर्चुनेटली कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ द मास्टर ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक हो गया, उनकी नॉन वर्बल इज मोर, उनकी पूरी सीरा उठा के देख लें, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस वर मोर। हमें यहाँ कोई नहीं सिखाता नॉन वर्बल क्या है। सो अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हो रहे हैं, हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, अब जिस तरह आप मतलब मैं ख्वातीन के हवाले से, मेरी बच्चियाँ जो बहनें बेटियाँ माएँ जो बैठती हैं ना, हमने इनको बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि बेटा यूं करके बैठना है। ठीक है, वो देखो ऐसी बैठी हुई बेचारी। अब इसके पीछे एक बड़ी हमारी बड़ी महज़बाना लैंग्वेज है कि हम जो है उसके बच्ची की प्रोटेक्शन के लिए एक बाउंड्री बना रहे हैं। ठीक है, नाउ बॉडी लैंग्वेज की साइंस कहती है कि जब आप यूं करके बैठते हैं ना, या यूं भी बैठते हैं, आप हंच करते हैं एंड यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। दिस इज मेल एंड अल्फा, आई मीन अल्फा स्टाइल, दिस इज़ ओके। बट वैन यू हंच योर सेल्फ लाइक दिस, ठीक है, या बच्चियाँ यूं करके बैठती हैं, तो वो एक कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करना शुरू करती हैं, जिसे हम हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कॉर्टिजोल कहते हैं, विच इज़ ए हार्मोन ऑफ नेगेटिविटी, हार्मोन ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस हार्मोन, हार्मोन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हार्मोन ऑफ आई एम नथिंग। नाउ अगर मैं आप लोगों के साथ छोटी सी गेम खेलते हैं, आप दोनों अपने शोल्डर्स ड्रूप करके यूं बैठें, बाकी मैं चाहूँगा आपके नाजरीन भी ऐसे करके बैठे, नींद आ जाती है और नींद तो आएगी आएगी। अब आप और अपने जोर जितना जोर से आप कह सकते होंगे, कहिए आई एम अ चैंपियन। ठीक है, 1 2 3 आई एम अ चैंपियन, आई एम अ चैंपियन। लेकिन यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आया, हंसी आ गई, यकीन नहीं आया। राइट, आप थोड़ा सा शोल्डर ऊपर करके करेंगे इसमें हल्का, आई एम अ चैंपियन तो एक मोड आता, क्यों? बिकॉज द मिनट यू ड्रूप योर शोल्डर्स, ये एक रिसर्च है, टेड टॉक में भी पड़ी हुई है, हार्वर्ड की रिसर्चर, उसकी रिसर्च है। ठीक है, एमी कडी के नाम से। तो फ्रॉम द मोमेंट यू ड्रूप योर शोल्डर्स, फ्रॉम द मोमेंट यू पिक योर शोल्डर्स अप, विद इन मिली सेकेंड्स आपकी कॉर्टिजोल प्रोडक्शन हाफ से भी कम हो जाती है। अच्छा, और इतना क्विक उसका, इतना क्विक इसका है। right. और आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, विच इज़ द हार्मोन ऑफ विक्ट्री सक्सेस, डबल से ज़्यादा हो जाती है। नाउ हम अनफॉर्चुनेटली आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं एग्जाम में, या किसी के साथ कोई ज्यादती हुई, वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज होता है, और सॉरी ACR जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है कॉर्पोरेट्स में, मैं रिवेंज कहता हूँ, लोग पहले मुझे यूं देखते हैं। देखा ना, फौरन आप जाग गए, सोए हुए थे ना? नहीं, हम बिल्कुल सोए नहीं थे। तो वो उसमें किसी की अच्छी ना आई हो तो हम उसे क्या कर रहे होते हैं, वो बेचारा यूँ पहले यूँ बैठा हुआ, हम कहते हैं यार तेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हाँ यार बहुत जुल्म हुआ, हाँ यार। अब हम उसकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हार्मोन प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये पूरी की पूरी एक साइंस है, इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं हैं, इवन आपने हैंडशेक किस तरह करते हैं, हैंडशेक अगर मैंने आपके साथ यूँ सीधा हाथ मिलाया है, इसका एक मतलब है। अगर मैं आप मतलब विच इज़ इक्वालिटी, चलो मैं सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। एक बड़ी मशहूर वीडियो है बुश की और व्लादिमिर पुटिन की, और उसके साथ यासर अराफात भी था, कैंप डेविड में इनकी एक मीटिंग थी, तो वहाँ पर वो पुटिन आता है, बुश से हाथ मिलाता है यूं करके, तो बुश ने उसके हाथ के ऊपर ये टैप किया है,
जब इन्होंने सीधा स्ट्रेट हाथ यू मिलाया ना, ठीक है, तो उसने उसके ऊपर टैप किया है। अब इस टैप का मतलब है आई एम सुपीरियर, आई एम सुपीरियर। जब उसने टैप किया तो पुतिन ने यहाँ टैप किया है, ना बेटा मैं बराबर हूँ तेरे, या मैं ऊपर हूँ तेरे से। जब उसने यहाँ टैप किया है तो बुश ने उसके शोल्डर पर टैप किया है। ये पूरी वीडियो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, पूरी वो सीक्वेंस चल रही है और उसके ऊपर, इसके ऊपर बहुत बड़ी एनालिसिस रिपोर्ट्स बनी है। ठीक है, जब आपने अपना हाथ यूं दिया, आप देखिएगा ट्रंप जो है, ट्रंप जब भी मिलता है किसी के साथ वो अपना हाथ यूं देता है। नाउ आम तौर पे हम ये कहते हैं कि ये हाथ देना इस सबमिसिवनेस की निशानी है। खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक, खाक सार को खाक अली कहते हैं, वो इतनी खाक है कि खाक में मिल गया है। ठीक, लेकिन ट्रंप उसके बाद क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपने हाथ को यूं ले आता है। सो ही सेज यू थिंक आई एम डाउन बट आई एम ऑन टॉप। अब ये पूरी की पूरी एक साइंस है जिसके ऊपर ये चीज़ चल रही है। ठीक है, ओके। इसी तरह आप अगर अपना हाथ देते ही किसी को ऐसे हैं, ठीक है, सो यू आर टेलिंग हिम आई एम सुपीरियर देन यू। राइट, लेकिन जब कोई आपको इस तरह हाथ देता है तो आपने उसको टैप करना है। इज इट इंपॉर्टेंट कि आपको मतलब बताना है कि मैं सुपीरियर हूँ कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से? समटाइम्स मतलब आप लोग, कुछ लोग हम्बल होते हैं एंड देयर लाइक इट्स ओके, मतलब हम डाउन हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, और अगर दूसरा शख्स, तो क्या इससे क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसको करना चाहती हूं। हम्बलनेस को कैसे डिफाइन करोगी? हम्बलनेस ये कि आप हमेशा से बता नहीं रहे होते कि मैं सुपीरियर हूँ या ऐसी कोई बात है, वो आपके एक्शंस, आपके अचीवमेंट्स बता रही होती है ना। Agreed. तो इट्स लाइक कि अगर मैं किसी से मिल रही हूँ और अगर मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? एक्जेक्टली, एक चीज़ वो है जो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, एक वो है जो आपका इनर कॉन्शियस कर रहा है। मैं सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस का वर्ड यूज़ नहीं करता बिकॉज आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, मैं कहता हूँ इनर कॉन्शियस एंड आउटर कॉन्शियस। आप अपने चाल ढाल में, अपने रहन सहन में, हर चीज़ में आप नॉर्मल हैं, हम्बल हैं। बाई द वे, हम्बल की चाल की एक डेफिनेशन आपको बता दूँ। जो हम कहते हैं ना हम्बल बंदा, उसके शोल्डर ड्रूप होंगे, वो हम्बल नहीं है, वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ नाइव। ठीक है, because the minute you droop your shoulders you're already producing negative hormones. Okay, correct. Okay. So humbleness, agar humne ki hum baat karte hain to it is about equality. Okay, agar main aap se equality mein handshake kar raha hu, acha ye journal hai, lekin kuch logon ki aadat hoti hai, they want to show superiority. Okay, theek hai, so they would do that with you. वो उनकी चॉइस है। ठीक है, अच्छा सर, अब थोड़ा सा अगर वक्त हमारे पास कम है, अगर हम थोड़ा प्रोफेशनल उसकी बात कर लें कि कुछ लोग इंटरव्यूज देने के लिए थोड़ी टिप्स हमारे यंगस्टर्स को दे दें या लोग जो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? बाज़ूकात अगर आपके हाथ में पेन है कि लोग पेन को क्लिक कर रहे होते हैं बार बार, हाथ ऐसे करना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें क्या शो करती हैं? अच्छा देखो, जहाँ तक सवाल है ना पेन का, उसमें तो मैं सिंपल बात कहूंगा कि देयर इज नो ऑन एंड फॉरन पेन। नहीं, मैंने पेन कर पेन रख ही दो। नहीं, मैंने तो ऐसे कर लिया, मैंने कहा फॉरन रख दो पेन, उसमें कोई हार्म नहीं है। हाँ, पेन से खेलने में हार्म जरूर है। पेन से खेलना नहीं है आपने, बिकॉज दैट इज नर्वस हैंड्स, हम कहते हैं नर्वस फिंगर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने हाथ में कोई पेन पकड़ा हुआ है, या मैं अगर ये मोबाइल है या कोई चीज़ मैं यूं पकड़ के बैठ जाता हूँ, दिस इज मी पुटिंग अ बैरियर। बट इफ माई शोल्डर्स आर अप, बट अगर मेरे शोल्डर्स ड्रूप हैं और मैं ये खेल रहा हूँ, दैट इज नेगेटिविटी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जब आप बैठे हुए हैं, ये क्लैंप हैंड्स इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है, हम बॉडी लैंग्वेज के, आपने भी किए हुए हैं, हम बॉडी लैंग्वेज साइंस में कहते हैं कि दिस इज प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल्स। फौरन हाथ खोल दो। मैं ऐसे बैठ रहा हूं, ये ले जी मैं ऐसे बैठ गया हूं। करना कैसे चाहिए, या आप ऐसे बैठे, या आप, दिस इज हाउ यू शुड बी सिटिंग व्हेन यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, दिस इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। ओके, बिल्कुल। दिस इज आई एम ट्राइंग टू डोमिनेट यू, या यू, आई नीड यू टू लिसन टू मी। ये नहीं करना, डबल लानत है। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में, दिस इज द बेस्ट एंड आइडियल वे टू सिट। ठीक है, ठीक है, दिस इज वेयर यू वॉन्ट टू एम्फेसाइज समथिंग सो दैट पीपल आर लिसनिंग। ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट वे। क्लैम्प हैंड्स विल ऑलवेज बी लाशौरी तौर पर कंसिडर्ड एज नेगेटिविटी। ठीक हो गया, क्योंकि इवेंचुअली होगा क्या, जब आप क्लैम्प हैंड्स करेंगे, आप यहाँ खेलेंगे भी, या आप अनकॉन्शियसली करेंगे। ठीक है, इसी तरह खड़े होकर लोग हाथ पीछे बांधते हैं। प्रिंस चार्ल्स के नाम पे वो चार्ल्स रॉयल स्टाइल उसका नाम रखा गया है। अगर आपके पीछे बंधे हुए हाथ दोनों ऐसे हैं बटरफ्लाई की शेप में, दैट इज शोइंग योर कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर वो ऐसे पकड़ा हुआ है या वो ऐसे पकड़ा हुआ है, दैट इज शोइंग नर्वसनेस। रूम में जब आप एंटर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कॉन्फिडेंट, आपकी बॉडी शोल्डर्स शुड ऑलवेज बी अपराइट, नेक शुड नेवर टच योर कॉलर। अगर नेक कॉलर को टच करती है, नाक ऊपर जाता है, हम बॉडी लैंग्वेज की साइंस में इसको कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये एरोगेंट, एरोगेंस है, कंटेम्पचर्स हो सकता है।
एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जब हम लोग आमतौर पर स्माइल करते हैं ना, तो स्माइल करते हुए खास तौर पे वो सवाल ये, अभी इन्होंने किया कंटेम्पचुअस स्माइल थी, ये वहीं पकड़े गए। अच्छा आप क्या पता क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, चले आगे बताए। ये भी बात सही है। तो अगर आपकी वन साइड ऑफ लिप कॉर्नर रेज करती है, दैट इज कंटेम्पचुअस स्माइल। ओके, बट इफ बोथ साइड्स ऑफ द लिप कॉर्नर रेज सिमेट्रिकली, दैट इज एक्चुअली अ स्माइल ऑफ हैप्पीनेस एंड अ स्माइल ऑफ यू नो कनेक्शन। तो हमारे यहाँ पर होता ही है कि अगर मुझे एक सवाल का जवाब आता है ना, इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, मैं करूँगा ऐसे, मतलब मैं तो बड़ा, मैंने तो एग्जैजरेट करके बताया ना आपको, लेकिन वो बंदा अपने तौर पे माइक्रो एक्सप्रेशन दे रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशन इज 1/10 ऑफ ए सेकेंड। ओके, नाउ आपका अनकॉन्शियस उसको पकड़ लेता है, बट आपका कॉन्शियस शायद नहीं पकड़ पाता। ठीक है, अब अगर वहाँ पर कोई इंटरव्यू में जो बैठे हैं वो अक्सर एक्सपर्ट्स ही होंगे, राइट, वो अगर पकड़ता है आपकी कंटेम्पचुअस स्माइल, तो दैट गोज एज अ नेगेटिव इन यू। ठीक है, आपके बैठे हुए आप जिस तरह अभी आप पेन से कर रही हो, इससे अगर आपने वो बैठना है, पेन पकड़ना है, आई वुड रादर बी हैविंग अ पेन स्टिल इन माई हैंड रादर देन प्लेइंग विद इट। ठीक है, उससे दैट विल एक्चुअली शो कॉन्फिडेंस, बट वेन यू आर प्लेइंग विद इट, स्पेशली ये जो क्लिक 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 या उंगलियों से ये खेलना, दैट इज अ कंप्लीट नो गो। और टांग पे टांग रखकर बैठना, टांग पे टांग रखकर बैठना है तो ऐसे बैठना है आपने। अगर आप टांग पे इंटरव्यू के वक्त भी क्यों नहीं बैठ सकते, आपको कौन रोक, मैं बैठता हूं। नहीं तो ये तो अब ये आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, जाहिर सी बात है वहां पर तो इंटरव्यूअर की अगर बात की जाए तो वो तो उसको बड़ा नेगेटिव लगे, बड़ा अकड़ के बैठा था हमारे सामने। हमारे पाकिस्तानी मेंटालिटी यही है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट। मैं वेट कर रहा था कि आप लोगों में से कोई ये पॉइंट लेकर आए। ठीक है, देखिए किसी भी चीज को स्टार्ट करने में आपने पहले जो काम करना है वो रैपो डेवलपमेंट करनी है, करेक्ट। अगर मुझे पता है कि मैं सीएसएस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यही टांग पे टांग वाला काम ये करके कर सकता हूँ। ठीक है, सेम मैसेज जाएगा, एक अलग जेस्चर से जाएगा, एक अलग जेस्चर से जाएगा, मैसेज सेम जा रहा है यार, आई एम कॉन्फिडेंट, कम, व्हाट यू वांट टू से। अरे सर, वॉक वो क्या डिफाइन करती है, वॉक कैसी होनी चाहिए और कैसी वॉक है जो कि आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है? अच्छा देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि अगर आपकी गर्दन कॉलर को टच हो रही है, ठीक है, अक्सर लोग आपने देखा है वो ये कह के चल रहे होते हैं, ये भी गलत है, और गर्दन झुकी हुई होना ये भी गलत है। ठीक है, हंच्ड नेक वुड टेल मी दैट यू आर अ लो कॉन्फिडेंस पर्सन। ठीक है, तो आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मैंने दरवाज़ा आपने बंद नहीं किया और आप अंदर बंद भी कर दिया, आप अंदर एंटर होकर अपनी चेयर तक जब जा रहे हैं, तो उतनी देर में मैंने आपको स्लाउच बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर आप आए हैं, तो मैं समझ गया हूँ कि यार ये बंदा मेरा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स की जॉब करने आए हैं एंड यू आर कमिंग विद अ स्लाउच एंड यू नो सस्पेक्टफुल बॉडी लैंग्वेज, तो हमेशा बेस्ट वे इज बी नेचुरल एंड अपराइट एंड अपराइट। नेचुरल आपका स्लाउच नहीं है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, किसी भी इंसान का नेचुरल स्लाउच नहीं। अग्रीड, ठीक हो गया। सो बी नेचुरल विद योर शोल्डर्स अपराइट, नेक स्ट्रेट, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। हर वक्त ये ऐसे वैसे रखे तो फिजियोथेरेपी के लिए सबको नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, ये तो बन गया एक्चुअल पोस्चर। मेरा ये पॉइंट है कि जो ऑलरेडी लोगों लोग नहीं बैठ पाते ना, वो थक जाते हैं, तो पहले आप अपने आप को सेट करके देन ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस उसको करें। हमें मोबाइल ने नेक स्लाउचिंग सिखा दी है अनफॉर्चुनेटली, तो मोबाइल को जब देखते हैं, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मोबाइल यूं रख के देखो, दो फायदे हैं, एक तो चलते हुए नहीं यूज करोगे, ठोकर लगेगी, गिर जाओगे, बॉडी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी आपकी। बिल्कुल ऐसे बातचीत में उसका भी एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा होता है, बहुत ज्यादा होता है। एक लफ्ज हम यू करते हैं, दो तरह की बॉडी लैंग्वेज है, अक्सर आपने देखा होगा इंटिमिडेटिंग बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं लोग, ठीक है, वो कहता है कि वो मैं आपकी पर्सनल स्पेस में एंटर हो रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, वो आपकी पर्सनल स्पेस है, मैं यहाँ से अपने हाथ भी मूव कर रहा हूँ अगर, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लिंटन बॉक्स, ये एक बॉक्स होता है हमारा, इस क्लिंटन से ये निकाला गया है। क्लिंटन को अगर आप देखें तो क्लिंटन वुड ऑलवेज मूव हिज हैंड्स विद इन अ सर्टन रेंज, इसमें मैं मूव कर रहा हूँ, ये मेरी दुनिया है, मैं जो मर्जी इसमें खेलूँ, ठीक है, बट जैसे ही मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, I'm entering your personal space, I'm intimidating you. ये वैसे बड़ा important point आपने raise किया, और ये लोगों को इसकी awareness नहीं है कि personal space actually क्या होती है, और आपको personal space रखनी होती है, no matter वो आपके सामने खातून है या आपके सामने मर्द है, बिल्कुल, आपको बड़े तरीके से चीज को लेकर चलना पड़ता है communication. और खवातीन के लिए मैं हमेशा एक एडवाइस करता होता हूँ कि देखें आप किसी फंक्शन में हैं, कुछ हैं, अब ये नॉन वर्बल क्लू है किसी को अपने से ये समझाने का कि भाई ये मेरी पर्सनल स्पेस क्रॉस ना करना। आपने देखा अक्सर ख्वातीन हाथ में ग्लास पकड़ा होता है, पार्टी में होंगी, कहीं फंक्शन में होंगी, ग्लास पकड़ा होगा, पर्स पकड़ा होगा, उसको यूं रखा हुआ होगा। नाउ वेयर एवर यू आर कीपिंग दैट ग्लास,
एक्चुअली इज डिफाइनिंग योर पर्सनल स्पेस टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू नॉन वर्बली. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. सो उसको पता है कि मुझे ये ग्लास से आगे नहीं आना. वेरी वेल सर. एक अगर आप इजाजत दो, मैं एक गेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा. अगर मैं आपकी आंखें देख रहा हूं ड्यूरिंग अ डिस्कशन और यहां देख रहा हूं, दैट इज यू नो कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज एंड दैट इज अ कमांडिंग गेज. अगर मैं आपकी आंखें देख रहा हूं और मैं यहां तक देख रहा हूं, दिस इज द एरिया आई एम लुकिंग एट, दैट इज यू नो क्या कहना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट. ओके. बट अगर मैं आपकी आंखें देख के यहां से नीचे जा रहा हूं, दैट इज ओनली अलाउड फॉर इंटीमेट रिलेशंस. ओके, दैट्स नाइस. लास्टली एक और चीज, रिश्ता, लड़का और लड़की दोनों की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त क्या होनी चाहिए जब दो खानदान पहली बार मिल रहे हैं, लड़की है लड़का है, फैमिलीज बैठी हुई हैं, आप इकट्ठे बैठे हुए हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इंप्रेशन. देखो यार, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हमने लड़कियों को क्या सिखाया हुआ, जिस तरह मैंने बात की कि यूं करके बैठो, ठीक है, खामोश रहो, हम उनकी नेचर को और उनकी इज्जत नफ्स को कत्ल करते हैं. ठीक है, सो होनी क्या चाहिए? हाँ, मैं इसीलिए सवाल किया कि होनी क्या चाहिए, शुड बी नेचुरल एंड शुड बी कॉन्फिडेंट. आई मीन आपको यूं करके क्यों बैठना. मैं शादी पे भी अक्सर देख रही होती हूँ, हम कल्चर के नाम पे ही बात कर रहे होते हैं, बट ये कल्चर ब्रेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. आप ऑलरेडी औरत को यूं नीचे देखना सिखा रहे हैं, चलती भी आ रही है, वो दुल्हन है, तो दुल्हन की उसने कोई गुनाह नहीं कर दिया. मतलब अगर आपकी बीवी बन रही है वो आपकी दोस्त बन सकती है, वो कॉन्फिडेंटली चल के आ सकती है. हम उसको क्या सिखा रहे हैं डे वन से कि तू गुलाम थी, गुलाम है और गुलाम रहेगी. ये अनफॉर्चुनेट है. सो ट्रू. ठीक है, मेरी बेटी के साथ ना, हम आजकल अपनी बच्ची के लिए कुछ रिश्ते वगैरह भी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की पहली फीमेल हॉर्सबैक आर्चर है. तो हमें लोगों ने ये कहना, एक दो रिश्ते वालों ने, कि जी इतना बड़ा शौक बेटी को तो कोई बादशाहों को नहीं सिखाते दिखाते थे, आपने अपनी बच्ची को ये दिया हुआ है. मैंने कहा यार मैंने कोई गुनाह किया, वो बच्ची है तो क्या हुआ. वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस. एग्जैक्टली. ठीक है, सो हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बच्चियों को ये सिखाया जाता है कि तुम सर झुका के चलो, और फिर बाद में अगर वो कुछ बोलती है, वो बदतमीज है बहुत ज्यादा. यार उसको आप डे वन से नेचुरल रहने दो. ये तो फिर सर यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है बहुत चीजों को. बॉडी लैंग्वेज तो डिफाइन करे, बट हमें यहाँ से भी अपने आप को डिफाइन करना है, रादर रीडिफाइन करना. सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाउ ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए. वेलकम बैक. फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के तलबा इम्तिहानात के नतज से परेशान है और दावा वो ये कर रहे हैं कि नतज दुरुस्त मुरतब नहीं किए गए, वो एक इल्जाम आयद कर रहे हैं. वो कहते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है. फेल हो गए बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो एहतजाज कर रहे हैं कि हमें फेल आपने कैसे, रियाजी के इम्तिहान मैथ्स में वो ये कह रहे हैं. बोर्ड के सामने एहतजाज किया उन्होंने, ना सिर्फ मैथ्स सभी बल्कि कुछ प्रैक्टिकल के बारे में कहते हैं मार्क्स कम आए हैं और मैथ्स में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वो फेल हो गई. अच्छा, बोर्ड ये कहता है कि जो शरा पहले थी फेल होने की पिछले साल अभी भी तकरीबन वैसी ही है, लेकिन एक मामला ऐसा जिसने शकूक और शुभात को जन्म दिया है, वो है कि लास्ट मंथ बोर्ड स्टाफ की जानिब से 62 आंसर शीट्स तब्दील करने का स्कैंडल रिपोर्ट हुआ. कहा जा रहा है कि उसके करेक्टिव मेयर्स ले लिए गए हैं, लेकिन इस पर हमें बात करनी है. हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं बशीर खान साहब. सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. बच्चों के मुतालबात आप लोगों के सामने आए, उनका एहतजाज आप लोगों के सामने आया, आप लोगों ने क्या किया फिर? हमने तो जो बच्चे आए थे, बच्चों ने कहा कि जी हमें पेपर्स अपने दिखा दिया जाए, तो फेडरल बोर्ड जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है अपने मार्किंग के लिहाज से और अपने एक्टिविटीज़ के लिहाज से. हमने उनका वो मुतालिबा तस्लीम कर लिया कि जी ठीक है आप लोग रिचिकिंग के लिए अप्लाई कर लें. सेकेंडरी के बच्चे हैं जी, हमने कहा कि आप लोग रिचिकिंग के लिए अप्लाई कर लें, हम आप लोगों को जो प्रोसेस है होता है, जो प्रोसेस है उसके हम मुताबिक आप लोगों को पेपर दिखा दें. ऑलरेडी एक प्रोसेस है, उसमें मुतालबा क्या था उनका फिर? वो तो अब अगर इंतजाज ना भी करते तो कर लेते, ना भी कर ले तो कर लेते, लेकिन वो कह रहे थे कि जी हमें पेपर्स भी दिखाए तो पेपर्स भी हम दिखा देंगे. अच्छा, वैसे नॉर्मली पेपर दिखाया नहीं जाता? नहीं नहीं, नॉर्मल सिर्फ फ्री चेक होते हैं. अब आप दिखाएंगे उनको? जी हम दिखा देंगे. तो अब वो सेटिस्फाइड हैं? अभी तो वो आएंगे पेपर्स अपने देखेंगे. इस बात से कि पेपर्स दिखाए जाएंगे जी, वो सेटिस्फाइड थे, उन्होंने कहा ठीक है. दूसरे उनका जो एक असल में स्टूडेंट्स है तो मिस गाइड होते हैं ना कि जी पहले जो है ना हमारा मैनुअल सिस्टम था तो ज़्यादा बेहतर था, अब आप लोगों ने जो है ना ई मार्किंग पे चले गए तो ये ठीक नहीं है. आप लोग वहाँ चले गए ई मार्किंग पे? हम तो पिछले 5 साल से ई मार्किंग कर रहे हैं, 2021 से कर रहे हैं. अच्छा. और 2018 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, फिर 2021 में हमने जो है ना फुल प्लेस कर दिया था. अच्छा. तो फिर जब हमने उनको बच्चों को अपना ई मार्किंग का सिस्टम एक्सप्लेन कर लिया तो दे वर सेटिस्फाइड.
और उन्होंने कहा कि ठीक है ये सिस्टम तो अभी अच्छा है। इस वक्त एहतजाज जारी है या बस नहीं, आप लोगों ने कह दिया आए थे फिर चले गए और अभी वो सैटिस्फाइड है कि पेपर्स जो हैं वो चेक अब अप्लाई करेंगे फिर पेपर रीचेक होंगे। वैसे रिजल्ट कैसा आपने भी सुना, आपने कहा कि 5 साल से ई चेकिंग हो रही है, पिछले 5 साल के नतीजे क्या बताते हैं, कितने परसेंट फेल हुए स्टूडेंट्स? असल में ये जो हमारे होते हैं ना पार्ट वन के स्टूडेंट्स और पार्ट टू के स्टूडेंट्स, तो पार्ट वन के स्टूडेंट्स ज़्यादा कम्पार्ट होते हैं। मैं फर्स्ट ईयर पार्ट टू सेकेंड ईयर जी फर्स्ट ईयर के बच्चे, वो इसलिए कि अब हमने फेडरल बोर्ड ने पॉलिसी ही दी है कि पहले फेडरल बोर्ड के एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में वो बच्चे फिर हो सकते थे जिनका कोई पेपर एक दो फेल हो जाते थे तो वो अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिस तरह कैम्ब्रिज का होता है कि साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम होता है, हमने भी एनुअल फर्स्ट और एनुअल टू कर दिया। अब बच्चों के पास ऑप्शन ये अवेलेबल है कि वो 3 सब्जेक्ट फर्स्ट एनुअल में दे दें, 3 सब्जेक्ट सेकेंड एनुअल में दे दें। पहले ये चीज़ नहीं होता था। अच्छा। अब लोग जो है ना बच्चे इस तरह करते हैं कि उनके अगर 7 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में तो वो 4 जो है फर्स्ट एनुअल में दे देते हैं, 3 सेकेंड एनुअल में दे देते हैं। अब जो 4 वो दे देते हैं तो वो भी फेल में काउंट हो जाता है, क्योंकि उसने सारे तो क्लियर नहीं किए ना, अब उसने अपनी मर्जी से 3 पेपर छोड़े हैं। सही है। लेकिन हमारे उसके मुताबिक तो उसने क्लियर नहीं किया। नहीं तो सर आपने खुद एक ऑप्शन दिया ना उनको, क्या ऑप्शन दिए हुए हैं तो फेल बेचारों को क्यों हम तो फेल नहीं किए थे। अच्छा दूसरी बात ये है, एक और कंसेप्ट में कि हम किसी बच्चे के मार्कशीट पर या उस पर हम फेल नहीं लिखते। हम जो सब्जेक्ट जो है ना, जो सब्जेक्ट उसका उस जिसमें अपीयर नहीं हुआ होता या जो सब्जेक्ट उसका उसमें मार्क्स कम होते हैं, हम उसके आगे लिखते हैं रीट्राई। नहीं जैसे अगर बच्चा अपीयर ही नहीं पेपर में हुआ, जो कि आपने खुद ही ऑप्शन दिया कि आप 3 पेपर में अपीयर हो सकते हैं, आप लिखते क्यों हैं बाकी पेपर उसका नतीजा? नहीं तो हमारे जो 7 सब्जेक्ट्स के जो फॉर्मेट है ना, 7 सब्जेक्ट्स में सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स तो 3 में अपीयर नहीं होते ना। आपने ऑप्शन दिया ना? नहीं हमने ऑप्शन दिए हुए, तो जो मार्कशीट है उसमें 7 सब्जेक्ट की स्पेस है ना। अब अगर वो फर्स्ट एनुअल मार्कशीट नहीं, वो तो कोई मसला नहीं है। वो तो हमने मार्कशीट पे अब ये भी कर दिया है कि हम उस पर ये भी नहीं लिखते कि ये पार्ट फर्स्ट एनुअल का है या सेकंड एनुअल का है, हम उस पर सिर्फ ईयर लिखते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स की तरफ से ये मसला आ गया था कि जी हमें जो है ना फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सेकंड एनुअल पे नहीं देते। ठीक है तो वो भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे मार्कशीट के ऊपर सिर्फ एनुअल एग्जाम 2024 लिखा होता है या जो भी ईयर होता है वो लिखा होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर ये जो लास्ट मंथ की अगर बात की जाए तो ये भी खबरें सामने आ रही थी कि आंसर शीट्स जो हैं वो तब्दील की जा रही हैं बोर्ड की जानिब से, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा ये हमारे पास जो है ना, जब एक प्रोसेस है कि पेपर जब आ जाते हैं फिर उसके बाद सबकी स्कैनिंग हो जाती है, फिर पहले तो ये होता था कि पूरा पेपर जो है ना एक टीचर मार्क करता था। अब ई मार्किंग में ये है कि जब पेपर आ जाते हैं बच्चों के तो उसकी स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के बाद फिर एक एक क्वेश्चन अलग हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर टीचर के पास एक एक क्वेश्चन जाता है, सारे क्वेश्चन एक बच्चे के एक टीचर के पास नहीं जाते। तो इन द स्कैनिंग प्रोसेस जो कुछ हमारे टेम्परेरी एम्प्लॉइज थे उन्होंने कुछ अपने रिश्तेदारों के कुछ अपने उसके पेपर चेंज कर दिए, वो जब आगे सिस्टम में चले गए तो हर एक पेज पर QR कोड होता है, हर एक पेज पे जो है ना स्टूडेंट्स के वो सेंटर कोड और ये सारी चीज़ें उसमें एम्बेड होती है, तो उधर टीचर्स के सामने वो मिसमैच आ गया कि ये तो सवाल कोई और है और इसका जवाब जो है ना कोई और। ठीक है। जब हमने ट्रेस कर दिया तो हमने फौरन पहले एक्शन तो ये कर लिया कि हमने जो टेम्पर्ड हुए थे वो हमने ठीक कर दिए। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने सारे एंटर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, तकरीबन 12 लाख आंसर बुक्स थे, सारे हमने दोबारा वेरीफाई कर दिए कि कोई टेम्परिंग उसमें ना हो, तो जो रिजल्ट आया है उस मसले का कोई इफेक्ट नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। और बाकी जो एहतजाज किया था वो ज़ाहिर है बच्चों के पेपर्स चेक हो जाएंगे उनके सामने, चेक हो जाएंगे उनके सामने। हमने कब तक हो जाएगा ई मार्किंग का प्रोसेस? वो तो चल रहा है, लोगों ने अप्लाई किया, आज भी बच्चे आए होंगे, अच्छा पेपर दिखाए जा रहे हैं। जी जी वो लेट्स सी जी के उनकी रिजर्वेशंस किस हद तक दूर हो जाती हैं। सर बहुत शुक्रिया साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच आज खेला जाना है, लेकिन हो रही है बारिश जुड़वा शहरों में, यानी रावलपिंडी की बात करें, स्टेडियम के आसपास भी बारिश हो रही है। फिलहाल क्रिकेट करा चुके हैं क्योंकि अभी टॉस होना था पर टॉस ताखीर का शिकार है क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है। थोड़ी टीम की अगर हम बात करें, थोड़ी चेंजेस की गई हैं जिसमें एक चेंज है कि शाहीन शाह अफरीदी
आज स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और कल ये बता दिया गया था कि चूंकि उनके बेटे की पैदाइश हुई है इसके बाद फैमिली के साथ वक्त गुजारने के खातिर उनको वक्फा देने का फैसला किया गया है। जबकि टीम में दो नए खिलाड़ी जिसमें एक हैं स्पिनर अबरार अहमद, जो कि बहुत बात इनकी पिछले मैच में उड़ी कि अबरार को क्यों नहीं खिलाया, स्पिनर हैं, और दूसरे हैं कामरान गुलाम, इनको शामिल किया गया। इस पर हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। भट्टी साहब, जो चेंजेस की गई हैं स्पेशली जो अबरार को टीम में अब शामिल किया गया, चूंकि पहले बहुत बात हुई कि आपने सारे फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, कोई स्पिनर नहीं खिलाया, शायद ये एक रीजन हो सकती है हमारी हार की, तो हाउ डू यू सी दिस, अबरार पे जरा जिम्मेदारी ज्यादा आ गई? देखिए शोएब, सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस सीजन में हम पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज करवा रहे हैं, पाकिस्तान में ये क्रिकेट का सीजन नहीं है। आपको पता है, आप तो अब कराची छोड़कर इस्लामाबाद जा चुके हैं, लेकिन कराची में भी कल रात जितनी बारिश हुई है और अभी जिस तरह काले बादल आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ये मैच अगर कराची में भी होता तो आज सही बात। अच्छा ऑब्वियसली यही वाली, हाँ हमसे ये हुआ यही वाली बात भट्टी साहब, बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि अभी क्यों रखा गया मैच। सबीन, अब मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो इतने जहीन दिमाग बैठे हुए ना कि मैं और आप और शोएब, हम लोग तो उनको समझा नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान में और खासतौर पर इस्लामाबाद, पिंडी या पंजाब के किसी भी शहर में आप किसी आम आदमी से भी पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि अगस्त जो है ये तो शदीद किस्म की बारिशों का और मानसून के सीजन वाला महीना है, लिहाजा इसमें क्रिकेट कराना एक तो दानिशमंदी नहीं है, फिर अब पाकिस्तान का जितना मसरूफ सीजन है, फिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम की अपनी मसरूफियत है, तो मेरा ख्याल में आगे शायद ये सीरीज मुमकिन नहीं हो सकती थी, इसलिए इस टाइम पर ये सीरीज करवाई गई। फिर हमने जो पहला टेस्ट मैच पिंडी में हुआ उसमें जो ब्लंडर किए, एक का तो अबरार का आपने जिक्र किया, लेकिन फिर जो पिच बना दी गई, सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमने चार फास्ट बॉलर खिलाकर ऐसी पिच बनवा दी जिसमें होम एडवांटेज के बजाय अवे टीम को एडवांटेज मिला और बांग्लादेश की टीम जो है वो 10 विकेट से मैच जीत गई। अच्छा, ये सिलसिला सिर्फ इस सीरीज तक नहीं है कि मॉनसून के सीजन में सीरीज हुई है और बांग्लादेश पाकिस्तान से जीत गया। इंग्लैंड की टीम जब टेस्ट सीरीज खेलने आई, हम 3-0 हारे। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब से 1.5-2 साल पहले जब पाकिस्तान आई थी तो 3 में से 2 टेस्ट ड्रॉ हुए, 1 टेस्ट और टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली। और पाकिस्तान सबीन और शोएब दुनिया की वाहिद टीम है जो पिछले जिम्बाब्वे के बाद दूसरी टीम है जो पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट मैच नहीं खेल सकी। पाकिस्तान ने जो पिछले 9 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें से पाकिस्तान 5 टेस्ट मैच हारा है, 2 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्रॉ हुए, 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ हुए, इंग्लैंड हमें 3-0 से वाइट वॉच करके चला गया। शान मसूद की कप्तानी में हम ऑस्ट्रेलिया में अभी दिसंबर जनवरी में 3-0 हारे, फिर अब पहला टेस्ट पिंडी में हार गए, तो वो एज ए कप्तान 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। तो पाकिस्तान छोड़ने के लिए है नहीं सिवाय इसके कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी ये चैंपियंस कप हो जाए, पाकिस्तान की क्रिकेट आप देखिएगा ऐसी ट्रैक पे चढ़कर भागेगी कि फिर इस क्रिकेट को कोई पकड़ नहीं सकता। ये दावे मादी ने भी किए गए, आपको याद होगा एक दौर में एहसान मानी साहब और वसीम खान साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए थे वो भी पाकिस्तान क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ला रहे थे, लेकिन वो कहीं रास्ता रह गया और हमारी क्रिकेट नीचे से नीचे आ रही है। भट्टी साहब, मोहसिन नकवी साहब तो जाहिर है वो भी यही बातें कर रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऑर्डर छोड़ दूं, लेकिन वो यही बात वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जब तक टीम को ठीक नहीं कर देता नहीं जाऊंगा। सबीन, हम भी नहीं चाहते कि वो रिजाइन कर जाए और ऑर्डर छोड़ दे, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले हो, और अब जिस तरह आप लोग 2 घंटे का शो करते हैं तो कोई भी व्यूअर अगर टीवी के सामने बैठा हुआ है तो उसके हाथ में तो रिमोट है, अगर आप उसको 2 घंटे तक बिठा सकते हैं तो ठीक है, वरना वो आगे निकल जाएगा। यही टीम, यही सूरत हाल क्रिकेट में है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर किसी को अच्छी चीज नजर आ जाए
तो फिर तो हम ये कहने में हक बजाने होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट 6 महीने बाद साल बाद ट्रैक पर आ जाएगी। लेकिन आज फैसला साजी में जिस तरह हमें वीकनेसेस नजर आ रही हैं, जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, उससे तो नहीं लग रहा कि ये क्रिकेट बेहतर होगी। एक छोटी सी मिसाल मैं आपसे शेयर करूं कि वकार यूनुस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट का एडवाइजर बनाया और मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज के बाद मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर देखूंगा, सारे क्रिकेट अफेयर जो है वो वकार यूनुस देखेंगे। जाहिर वो क्रिकेटिंग ग्रेट है और पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है। फिर क्या हुआ, 3 हफ्ते बाद वकार यूनुस उस ओहदे से हट गए या उनको हटा दिया गया, ये भी नहीं पता चला। वो बनना तो एडवाइजर चाह रहे थे और बन गए एक टीम के मेंटोर, वो बनना तो आईजी चाह रहे थे, बना दिया गया उनको एसएचओ। तो मतलब ये किस किस्म के फैसले हैं जिससे हम उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है। भट्टी साहब, तनकीद हो रही है, मुसलसल हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा। हालांकि बहुत जगह पर तनकीद बहुत मस्बत हो रही है और हम सब चूंकि हमारे दिल जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, एज अ नेशन हम बड़े कनेक्टेड होते हैं क्रिकेट के साथ, तो अगर कोई तनकीद करता है सिर्फ इस बुनियाद पर कर रहा होता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, पर हो नहीं रही अनफॉर्चुनेटली। वो कोई भी कुलिया लग नहीं रहा। शेब, मसला ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़े सुपरस्टार और सेलिब्रिटी जो है वो क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल। ये जो 14 अगस्त गुजर गई 2 हफ्ते पहले, आप भी इस्लामाबाद में थे, आप देखें जैसे आजादी के हवाले से बहुत सारे फंक्शंस हुए, सिवाय एक फंक्शन के जो आर्मी हाउस में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने जो एक फंक्शन किया था, उसके अलावा किसी फंक्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मधु नहीं किया गया। बल्कि 13 या 12 अगस्त की बात है, एक पॉडकास्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलियन हेड कोच जो है जैसन गैलेस्टी और शान मसूद जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान हैं, वो ये कहते हुए, ये मैंने खुद सुना है, उन्होंने कहा कि जी हम अपने ड्रेसिंग रूम में अरशद नदीम को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपना गोल्ड मेडल भी लेकर आए और अपनी जेवलिन भी लेकर आए और अपनी सक्सेस स्टोरी से हमारे क्रिकेटर्स को समझाएं और बताएं कि आपकी जीत का सफर किस तरह कामयाब हुआ, ताकि हमारे क्रिकेटर्स भी आपकी जीत ये हौसला पकड़ें और जीत की तरफ बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बेटे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।